दोस्तों फाइनली हम अभी कुर्ला फिश मार्केट पहुंच गए, तो अभी हमें जाना है भाई एक्वेरियम के अंदर। वेलकम बैक। और दोस्तों मैं अभी पहुंच गया भाई कुर्ला फिश मार्केट और आप सबके फेवरेट और मेरे भाई सबसे फेवरेट हमारे अरिफ भाई के पास, और उनके परी एक्वेरियम 2 के शॉप में हम आ चुके हैं अभी। तो यार अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, यहाँ के सारे फिश अभी देख लेंगे और हमें कौन से फिश अच्छे लगे वो हम लेके जाएंगे, ठीक है। स्पेशली आपको पता है यार मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ, तो इस चीज़ के लिए मैं आया हूँ यार, आपको पहले ही बता देता हूँ। कलर वीडियो हमें लेनी थी, इसकी वजह से मैं इतना दूर आ गया। तो चलो भाई अभी सब स्टॉक फोर कर देते हैं और कुछ पसंद आया तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो यार अभी सबसे पहले अरे भाई सारे फिशेज के नाम वगैरह आपको बता देंगे, सिर्फ इसके जो प्राइजेस वगैरह है वो नहीं बताएंगे, तो ठीक है। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें भाई? स्टार्टिंग ओके। तो अभी सबसे पहले हम फाइटर फिशेज स्टार्टिंग करने वाले, तो ये कौन से फाइटर है सारे के सारे? बेटा आपका फुल मून है, हॉस्टल में ओके साइज में है, बड़ी साइज है, जाइंट साइज है, 3 इंच का साइज है इसका। हाँ बेटा के ओके, यहाँ पे फीमेल्स है, इसके अलावा यहाँ पे अरवाना, चार अरवानास, गोल्डन कलर वाला ओके, ये वाला आरटीजी, आरटीजी यहाँ पे पर्ल अरवाना, सिल्वर अरवाना ओके, यहाँ पे पिकॉक बास, पिकॉक बास ओके, ऑस्कर मोज़ेक ऑस्कर, पफर ऑस्कर, रेड ऑस्कर ओके, यहाँ पे मोनो एंजल स्टैंग में रेड ऑस्कर, सुपर रेड ऑस्कर, रेड ऑस्कर सुपर रेड ऑस्कर ओके। और ये यहाँ पे डेमासोनी एंड चिकलेट, कौन से डेमासोनी हाँ एंड चिकलेट, चिकलेट ओके ये साथ में रहती है, साथ में रहते चिकलेट फैमिली ओके। और इनके साथ ये भी रहती है मोनो एंजल अच्छा। और इधर उधर इधर कर लेते हैं, यहाँ पे भी चिकलेट्स, अफ्रीकन चिकलेट्स ओके, अफ्रीकन चिकलेट्स। और यहाँ पे टाइगर पैरेट एंड किंग कॉन्ग पैरेट ओके, टाइगर पैरेट और किंग कॉन्ग पैरेट ओके, ये किंग कॉन्ग ना और ये टाइगर है ओके। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे हाइफिन शार्क, पेंगासिस, ओह छोटे यार, छोटे बेबीज है, मॉन्स्टर हाँ ये बड़े होते ना, बहुत मेहनत है। अच्छा ये एलिगेटर कार के साथ रहेंगे क्या? अभी वो बहुत बड़ा है तुम्हारा तो छोटा साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे भाई कहते कि यार आपके एलिगेटर के साथ एक आधा वाटर वगैरह रखो, तो ठीक है एलिगेटर के साथ में अपन है ना, जो एलिगेटर कार का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मिनिमम 3.5 फुट का साइज है, तो आप अगर उसके साथ में उसका सिमिलर साइज का मच्छी डालेंगे तो भी मारामारी करने के चांसेस है, क्योंकि जल्दी सेट होना जरूरी नहीं है कि आदमी बोल दिया कि भाई वो अकेला है तो उसके साथ में डाल दो, राइट। और यहाँ पे कैटफिश ओके। और इधर ये प्लांट्स वगैरह इधर सारे के सारे ओके। और यहाँ पे कोई ये क्रेफिश, यहाँ पे लॉबस्टर्स है, लॉबस्टर्स इसे क्रेफिश भी बोलते हैं ना, क्रे बोलते हैं, लॉबस्टर भी बोलते हैं ओके। यहाँ पे सकर, अल्बिनो सकर, गुरामिस एंड किसिंग ओके। यहाँ पे ग्रीन सैनिकल, अल्बिनो सैनिकल और हैंडली चेरी सैनिकल ओके। और यहाँ पे एलिगेटर कार यहाँ पे अरवाना सिल्वर, गोल्डन हाईबैक, डॉलर, ग्रीन क्रोमाइट, रेटल कैटफिश ओके। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जाइंट गुरामी, अल्बिनो रेड आइस जाइंट गुरामी, रेड शिवरम, रेड स्पॉटेड, रॉड के शिवरम, यहाँ पे सैनिकल साथ में रहता है, और इसके अलावा हैंडली चेरी सैनिकल अंदर है ओके। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे रेड ऑस्कर, मोज़ेक ऑस्कर, यहाँ पे टाइगर ऑस्कर और ग्रीन जाइंट गुरामी ओके। यहाँ पे फ्लोरॉन बेबीज है, बेबी फ्लोरॉन्स हाँ। वाओ ये कौन से फ्लोरॉन्स हैं? हेड वाले बेबीज है, हेड वाले ओके। और गपीज, यहाँ पे बटरफ्लाई गपीज है ओके। यहाँ पे ब्लैक फैंटम, टेट्रा टेट्रा बराडीज है, यहाँ पे मोंटेल मॉली और बड़ी साइज की गोल्डन मॉलीज है जंबो साइज की ओके। और यहाँ पे सेंटा क्लॉज, टेंजरीन, कोई होटल ओके। यहाँ पे मना का पूरा मैंजल है और BSP, ये कौन से ये मना का पूरा मैंजल अच्छा रेड छंडा, यहाँ पे रेड कैप गोल्ड ब्लैक मोर, यहाँ पे रेड डेविल एंजल एक्टिव है फुल। और नीचे यहाँ पे फिलामेंटोस बाप, ये वाला टिम्पॉइल बाप है, ये वाले अल्बाइनो और सिल्वर टिम्पॉइल, सिल्वर और उसमें कोई फिश रह जाती है? उसमें कोई रहती है और शार्क्स भी रहते हैं, अल्बिनो ब्लैक शार्क
अच्छा यहाँ पे फिलामेंटस बाब, हाँ हाँ ओके, यहाँ पे कोरी कैटफिश, कोरी फिश, अल्बाइनो, स्टर्बी, पांडा, जूरी, इसके अंदर सब, ओके ओके सब मिक्स है, कैटफिश, कोरी। यहाँ पे फन का वैरायटी है, कौन सी जावा फन है ये? अच्छा ये फैलता है पानी में, जावा फन है। अच्छा अच्छा, मतलब गप्पीज वगैरह कोई प्लांटेड टैंक और ड्रिप फूड पे बांधेंगे तो ये फैलता ही है। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज एलिगेटर इसके अंदर, हाँ हाँ, पोलार ब्लू पैरेट, पोलार ब्लू पैरेट, ओके ओके, मुझे पेयर में सेट है ये, ओके ये पेयर तो मुझे सेट लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फ्लोहन फ्लोरस, ओके ओके डेट्रा, यहाँ पे गुरामी से रेड गुरामी, ड्रॉप गुरामी और लेपर्ड गुरामी, ओके ओके, ये मैंने पहली बार देखी यार। लेपर्ड गुरामी का साइज मिनिमम 3 इंच का साइज तक जाता है, इससे बड़ा नहीं होता है, नहीं इससे बड़ा नहीं होता, जाइंट में नहीं होता, ओके। यहाँ पे हल्कनी रासबोरा ब्लैक नियॉन टेट्रा, यहाँ पे कलर वीडियोज, यहाँ पे टेट्रा, ओके, यहाँ पे फीमेल बेटास एंड ज़ेब्रा और एम्परर टेट्रा, यहाँ पे कार्डिनल टेट्रा, ओके, यहाँ पे देखेंगे मार्बल एंजल और वाइट प्लैटिनम डायमंड एंजल, ओके, और यहाँ पे डेविल एंजल है, कोई एंजल, इसके अंदर वेल्टल में प्लैटिनम एंजल है, वेल्टल में मार्बल एंजल है, जेड ब्लैक एंजल है इसके अंदर, ओके, फुल एक्टिव है। ओ भाई, ओके, ये आपको पहचानती है ज्यादा, ओके। एलिगेटर गार के ऊपर हमारी एक अलग सी वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी तो मुझे आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स किए थे, तो ठीक है, तो अभी हमें भाई है ना सारा का सारा, अभी इसका जो डिटेल वगैरह है अभी सारा का सारा हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है, तो अभी मैं मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, आज हम कलर वीडियोज़ वगैरह पैक करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, हम ये जो कलर वीडियोज़ है ना बाद में पैक करेंगे, अभी उस वाली जो शॉप की फिश है वो कवर करने आ दो, ठीक है। तो दोस्तों नीरज भाई तो मेरे पहले से ही आ गए, तो ठीक है, अभी हम है ना ये सारा परी एक्वेरियम ये फर्स्ट है और परी एक्वेरियम शॉप वो सेकेंड वाला था, ठीक है, वो न्यू वे और ये सबसे पहले था। तो भाई आप कुर्ला फिश मार्केट वगैरह आओगे तो यार आपको यहाँ पे ज़रूर किसी को पूछ लेना यार परी फिश एक्वेरियम कहाँ पे, तो आपको इजीली बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी सबसे पहले तो हम फाइटर फिश से स्टॉक कवर करते हैं, और दोस्तों मैं अभी यहाँ पे सारे फिश देखूँगा बट मुझे कुछ फिश इसके नाम नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना मुझे कोई गलती वगैरह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे फाइटर फिश रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो अलग अलग वराइटीज़ के सारे फाइटर फिश यहाँ पे रखे हैं भाई ने, तो ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा एक से बढ़कर एक फाइटर फिश है यार। तो हमें भी लेने थे फाइटर फिश बट देखेंगे यार, क्योंकि हमें एक एक फिश अभी ऐड करना है, अभी हमारा फोकस तो पूरा कलर वीडियो के ऊपर है, तो देखेंगे भाई अभी एक 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 फिश हम ऐड करते जाएंगे हमारे टैंक्स में। और यहाँ पे दोस्तों है भाई, यहाँ पे मतलब जिस भाई का प्लांटेड टैंक करने का मूड हो तो भाई बहुत सारे प्लांट है भाई, देख सकते हो। और नीचे है भाई, मुझे इसका नाम जेन्यून नहीं पता बट उसके नीचे जो है वो पोलर पैरेट है। और यहाँ पे है फंगासियस, मतलब ये है भाई एक्वेरियम शार्क जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे है घोस फिश जो कि मुझे बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आप इसे ऐड करो, तो भाई पहले हम उसका टैंक वगैरह बना लेंगे क्योंकि मुझे वो फिश बहुत अलग ही लगती है और मुझे डर लगता है। और ये नियॉन टेट्रास है, और नियॉन टेट्रास के टैंक में बहुत सारे अलग अलग वराइटीज़ के प्लांट्स है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे है। और यहाँ पे है डिस्कस के साथ है अरवाना, और डिस्कस भी अलग अलग साइज़ में यार, मतलब मीडियम स्मॉल, किसी भाई को बड़ी चाहिए बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी ये खूबसूरत वाली गोल्ड फिश लगी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये देख सकते हो ये फैंसी गोल्ड फिश में आती है, और ये इससे भी बढ़कर ये ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हो इसका कलर वगैरह यार कितनी ज़्यादा सही लग रही है। ये तो हम ज़रूर ऐड करेंगे भाई किसी एक दिन। और यहाँ पे है डिस्कस, बहुत ही ज़्यादा चमक रही है यार ये तो, वाह यार इसका पैटर्न वगैरह देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है यार, मतलब क्या बताऊँ यार। और यहाँ पे है छोटे छोटे स्पॉटेड वाली डिस्कस, जो कि इसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे डिस्कस का कुछ ज्ञान ही नहीं है यार। और यहाँ पे है शायद से अरवाना या आरटीजी है, और उनके पीछे है बास, ऐसा मुझे कुछ लगता है।
और यहाँ पे स्मॉल साइज़ के डेट्रास वराइटीज़ के फिशेस जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये किसी प्लांटेड टैंक वगैरह के लिए। और यहाँ पे है ऑस्कर्स, ऑस्कर्स के साइज़ में है छोटे मीडियम साइज़ के ऑस्कर्स। और यहाँ पे है पैरोट फिश, और यहाँ पे है दोस्तों बहुत ही अच्छे क्यूट वाले एक्टिव फ्लोरन, तो ये देख सकते हो सब फ्लोरन्स है। और ये अलग ही फ्लोरन है यार, ये मुझे शायद से ना कुछ प्लैटिनम करके कुछ अच्छा अलग सा लग रहा है वो फ्लोरन। और यहाँ पे भी है, ये शायद से फ्लोरन की फीमेल्स हैं, मुझे नहीं पता, बट फीमेल्स लग रही है यार मुझे ये, क्योंकि इनको हेड नहीं है। मैंने सुना है कि भाई फीमेल्स को हेड नहीं होता है। और यहाँ पे है छोटे छोटे रेड कलर के श्रिम्स। और यहाँ पे है दोस्तों गोल्ड फिश, जो कि भाई सबकी पसंद होती है यार गोल्ड फिश। तो ये भी देख सकते हो स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, बिग साइज़, आपको सब तरह की गोल्ड फिश यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और यहाँ पे है कलर वीडियो, जो कि हमें इन पर फोकस करना है भाई पूरा, ठीक है, मतलब ये हमें लेके जानी है। और यहाँ पे है कुछ टेट्रा वराइटीज़ जो कि ये भी खूबसूरत है। और यहाँ पे गप्पीज जो कि मेल फीमेल में आपको पेयरिंग वगैरह किसी भाई को चाहिए तो यहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। और एंजल फिश, एंजल फिश के साइड में ही शायद से डॉलर फिश लग रहा है यार मुझे। और यहाँ पे शुबकिन, शुबकिन में अंदर कोई फिश, और यहाँ पे भी कोई फिश है मिक्स कलर की। और यहाँ पे है ज़ेब्रा फिश, ज़ेब्रा बड़ी एक्टिव थी यार। और यहाँ पे है वही फाइटर फिश, और यहाँ पे है मॉली फिश जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी यार। ये फ्लोरन, ओके 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 ओके, ये फ्लोरन जो कि भाई हेड वगैरह इनका देख सकते हो। और यहाँ पे भी है भाई हमारे ज़ेब्रा फिश जो कि सारे के सारे भाई एक्टिव है। और यहाँ पे है गप्पीज, ये मुझे वराइटीज़ का नाम नहीं पता बट है भाई गप्पीज। और यहाँ पे है अल्बिनो, जो पिराना करके बोलते हैं ना एक्वेरियम पिराना, वो है। और यहाँ पे किसिंग गुरामी। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ नेक्स्ट शॉप जो कि है भाई हमारे शोएल भाई का शॉप। तो यार ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, ये भाई हमारे शोएल भाई। तो अभी हम इनका जो स्टॉक है ये भी कवर कर लेंगे, यहाँ से हमें कुछ पसंद आता है तो हम ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो चलो भाई अभी हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले तो देख लेते हैं भाई क्या क्या है भाई, बड़ा स्टॉक भरा हुआ है भाई ने इस बार। तो यार यहाँ पे मतलब सात दिन में दो बार स्टॉक आता है शायद से, मुझे भाई बोले थे कि आता है यार। और यहाँ पे है भाई ने फर्स्ट स्टार्टिंग से भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे फ्लोरेंस रखी है, फ्लोरेंस के बहुत सारे टैंक है और अलग अलग वैराइटीज़ के, आपको शॉर्ट्स बॉडी, लॉन्ग बॉडी, मीडियम बॉडी, मतलब जितने भी अलग अलग वैराइटीज़ फ्लोरेंस होते हैं ये सारे आपको शोएल भाई के पास अवेलेबल हो जाएंगे, देख सकते हो। और इनके लिए कितना ज़्यादा स्टॉक रखने के लिए जगह है तो आप समझ ही सकते हो यार, देखो पूरा फ्लोरेंस का सेक्शन बना के रखा है। और यहाँ पे है शॉर्ट बॉडी फ्लोरेंस की जो फीमेल्स होती है वो रखी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे स्मॉल साइज़ के बेबी फ्लोरेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, और किसी भाई को बेबी से बड़ा करना हो तो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे है बेबी ऑस्कर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थे यार ये, मेरा मन भी हो गया ऑस्कर देने का, बट मैंने सोचा कि यार इनके लिए हम एक स्पेशल जब टैंक बनाएंगे ना तब इनको स्पेशल लेने के लाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के थे और बहुत ज़्यादा क्यूट भी दिख रहे थे, बट चलो यार कोई नहीं भाई, तो हमें बाद में एडजस्ट भी कर देंगे। तो और यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे है भाई डिस्कस फिश जो कि यहाँ पे भी पैटर्न वाली डिस्कस है यार, अलग अलग वैराइटीज़ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिस्कस है ये भी। और यहाँ पे है एंजल्स, एंजल्स के साइड में है ये कौन सी है, ये भी डिस्कस है, अच्छा स्मॉल साइज़ के डिस्कस है, किसी भाई को स्मॉल साइज़ के डिस्कस वगैरह लगी तो आपको यहाँ पे कुर्ला फिश मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और कौन सी यार, इसका नाम नहीं पता यार मुझे। और यहाँ पे है कुछ एंजल फिश जो कि मुझे इस ब्रिड का नाम नहीं पता बट एंजल फिश है पता है यार, तो कुछ लोग काइट फिश भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे शॉर्टटेल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थी यार ये शॉर्टटेल्स, शॉर्टटेल्स वो हमारे पास थी यार तो हम लेने का तो नहीं सोच तक सकते। और यहाँ पे है प्लैटिनम एंजल, भाई इस एंजल का नाम मुझे पता है भाई, ये है प्लैटिनम एंजल, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसके ब्लैक आइज आती है, इसमें रेड आइज भी आती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और यहाँ पे है कुछ यार कौन सी फिश यार, ये मुझे लग रही है ये तो टेट्रा वराइटीज़ की फिश लग रही है मुझे, टाइगर बाप के अंदर वराइटी नहीं निकली होगी। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लोरन जो कि ये देख सकते हो यार, दोनों के दोनों इतने ज़्यादा एक्टिव है, तो यार देखो यार ज़बरदस्त। और यहाँ पे है प्लैटिनम एंजल जो कि भाई के पास अभी स्टॉक आया हुआ है, इसलिए सारे के सारे फिश ऐसे शांत बैठे हुए, एक डेढ़ घंटा हुआ अभी यार। और यहाँ पे है कुछ गुरामीज है यार ये, हाँ ये कुछ प्लांटेड टैंक के लिए रखने के लिए गुरामीज आती है। और यहाँ पे है हमारी एंजल फिश बड़े साइज़ की, मतलब किसी भाई को ब्रीडिंग वगैरह करनी होगी तो एंजल फिश बहुत अच्छी है। और यहाँ पे सेवरम,
जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और बेबी सेवरम है ये, मतलब मीडियम साइज तक आ जाएगी यार ये, बहुत बड़ी होती है, मैंने देखा है हाथ के अपने पंजे जितनी बड़ी बड़ी हो जाती है यार ये। और यहाँ पे है बड़े साइज़ की कौन सी यार ये, अच्छा घोस्ट फिश है, घोस्ट ओके ओके, तो ये घोस्ट फिश का स्पेशल टैंक है। और यहाँ पे कौन सी यार ये, अच्छा यहाँ पे पिकॉक बास है, और यहाँ पे है मीडियम साइज़ की कोई फ़िश जो कि पॉन्ड में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कलरफुल कोई फ़िश है ये, और उससे भी थोड़ी स्मॉल साइज़ की है साइड में। तो दोस्तों अभी हम इनको फूड डालने वाले, देखो भाई कैसा अटैक कर दिया इन फिशेस ने, बहुत ज़्यादा एक्टिव भाई ये देखो, ब्लडोम डाले भाई, ब्लडोम दो सेकेंड में पूरे ब्लडोम साफ भाई, ख़तरनाक फिश। और मुट्ठी भर मैंने ब्लडोम इनको डाले तो भाई इन्होंने दो मिनट में सारे के सारे खा लिए यार। और यहाँ पे सिल्वर डॉलर फिश ऐसा लग रहा है मुझे, और ये फिश का नाम यार बास फिश यार शायद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से खतरनाक अटैक करती है भाई, अभी मैंने देखा भाई दो मिनट में लगने नहीं दिए। तो दोस्तों हमारी अभी जो कलर वीडियोज है अभी वो पैक हो रही है, और मैंने अभी क्या किया है यहाँ से चार चार सब कलर बोला है भाई को, सब कलर चार चार डालो भाई, कौन कौन से कलर है, एक ग्रीन, येल्लो, येल्लो, पर्पल और रेड, ओके ओके। तो ठीक है अभी मैं पैकिंग करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ।